नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में फिर किसान एकजुट। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्ती की मांग। 3 दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है राकेश टिकैत समेत तमाम किसान संगठन शामिल। बाहुबली मुख्तार अंसारी पर ईडी का बड़ा एक्शन। दिल्ली लखनऊ से लेकर गाजीपुर तक 15 ठिकानों पर छापेमारी। विक्रम अग्रहरि और गणेश मिश्रा के ठिकानों पर भी मारा छापा। सेल्फी ने ली 3 दोस्तों की जान। बिजनौर के मिर्जापुर और मुसरेपुर में शोक की लहर। गुरुग्राम में सेल्फी लेते वक्त हुआ था हादसा। प्रयागराज में बदमाश बेखौफ। कर्नलगंज इलाके में 2 दुकानों में लूट। नकाबपोश बदमाशों ने तमंचे की नोक पर दिया वारदात को अंजाम। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। प्रदेश में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। बाजार में उत्साह और उमंग का माहौल। वाराणसी ने इस बार कान्हा बुलडोजर पर सवार तो आजादी के अमृत महोत्सव का भी चढ़ा कान्हा पर। खबरें विस्तार से। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर वाराणसी के बाजारों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। मार्केट में तरह तरह के लड्डू गोपाल नजर आ रहे हैं। इस बार का कान्हा बुलडोजर पर सवार हुए दिख रहे हैं। इसी के साथ ही आजादी के अमृत महोत्सव का रंग भी कन्हैया पर खूब चढ़ा हुआ है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद जब से बुलडोजर का क्रेज बढ़ा है, ऐसे में वाराणसी के सिगरा स्थित एक दुकान पर भी बुलडोजर का क्रेज देखने को मिला है। कान्हा खुद बुलडोजर पर सवार होकर अपराध करने वालों को एक संदेश देने का काम कर रहे हैं। बुलडोजर पर कान्हा का यह रूप लोगों को बहुत लुभा रहा है। लोग इस बार बुलडोजर वाले नंद गोपाल की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। हम लोग भगवान जी के विभिन्न प्रकार के वस्त्र, माला, मुकुट और इस बार जो है कान्हा जी बाबा योगी की तरह जो है बुलडोजर पर बैठे हुए आए हैं। अपराधियों के खिलाफ जो है लगाम लगा रहे हैं। ऐसा मार्केट में क्या खास लेके आया, क्या क्या किस तरीके की चीज़ें लेके आया है आपने मार्केट में? हम लोगों ने मार्केट में कान्हा जी के विभिन्न रूप लेकर के आया और सबसे स्पेशल लोगों को लुभा रहे हैं। बाबा की तरह जो है जो अपराधियों को बुलडोजर चल रहा है, कान्हा जी जो है JCB चलाते हुए, ये लोगों को बहुत आकर्षित कर रहा है और ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं लोग। बहुत अच्छी तरह हम लोग मनाते हैं जन्माष्टमी। कान्हा के जी के लिए कपड़े खरीदने आए हैं। अच्छा। तो उनकी खरीदारी करने आए हैं। उनके लिए मुकुट है, माला है, कपड़े हैं। तो मार्केट में आई थी तो कुछ अलग देखने को भी मिला मार्केट में? हाँ, इस बार JCB पर कान्हा जी दिख रहे हैं। अच्छा, तो कैसा लग रहा है? अच्छे लग रहे हैं बहुत। मार्केटिंग तो हम जी जन्माष्टमी को लेकर कान्हा जी को कपड़ा खरीदने के लिए आए हैं। तो मार्केट में आप आए हैं, क्या देखने को खास मिला इस बार आपको? खास तो सर विभिन्न विभिन्न प्रकार के कपड़े सुंदर हैं। कान्हा जी भी JCB पे दिख रहे हैं। अपराधियों के खिलाफ जो बुलडोजर चल रहा है योगी जी का, तो उसको लेके कान्हा जी जो है JCB बहुत सुंदर लग रहे हैं। और मार्केट में किस तरह के रौनक है, क्या JCB वाले जो कान्हा जी हैं वो लोगों को आकर्षित कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा लुभा रहे हैं। खबर मथुरा से है जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर कान्हा की नगरी में धूम मची हुई है। जन्मभूमि जाने वाले रास्ते को दुल्हन की तरह सजाया गया है और श्री कृष्ण जन्मभूमि को। यूपी के लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग को लेकर किसानों ने फिर एकजुट होकर 3 दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि धरना प्रदर्शन में किसान नेता राकेश टिकैत समेत तमाम किसान संगठन शामिल है। ये भी बता दें कि लखीमपुर शहर के धरना स्थल राजापुर मंडी में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि अजय मिश्रा टैनी 120B के मुलजिम है, उनकी गिरफ्तारी हो और उनको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। वहीं किसानों का गन्ना बकाया भुगतान किया जाने और MSP पर कानून बने और जो किसान तिकुनिया कांड के बाद जेल में बंद है उनको रिहा किया जाए। Thank you.
देखो हमारी लखीमपुर में आए तो मांग हमारी ये है कि अजय टेनी मिश्रा उसकी गिरफ्तारी हो, वो बर्खास्त हो। 120 बी का मुलजिम है तो कोई भी मुलजिम देश का गृह राज्य मंत्री नहीं रह सकता, उसको पुलिस अरेस्ट करे। दूसरा है यहाँ के गन्ने का भुगतान का मामला है, उसका समाधान हो। बिजली का बड़ा मामला है पूरे उत्तर प्रदेश का। MSP गारंटी कानून देश का सवाल है, ये बहुत से सवाल है। बिजली अमेंडमेंट बिल है, दूध की पॉलिसी है, फसलों के दाम का सवाल है, सारी समस्या ही समस्या है किसान की। यहाँ जो आए सबसे बड़ी मांग आपकी अजय मिश्रा, अजय मिश्रा ट्रेनी है जो हमारे लोग जेलों में बंद है, उनकी रिहाई। वो कोर्ट में जाएंगे, हम वकील से बात करते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उसको देख रहा है। इस आंदोलन में कहाँ कहाँ के लोग आ रहे हैं? आज आंदोलन तो चलते रहे, जो अपने घर पर भी रहेंगे वो भी आंदोलन से जुड़ गए। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं हुई तो क्या आप धरने को बढ़ा सकते हैं? नहीं, 75 घंटे का, सिर्फ 75 घंटे। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए A1 उत्तर प्रदेश। रेत के धोरे और अरावली की पहाड़ियां, जहां कदम कदम पर है वीरता की निशानियां, वो राजस्थान अब चल पड़ा है विकास की नई राह पर। क्या है समस्याएं, क्या है समाधान, देखिए हर रोज A1 राजस्थान दोपहर 1 बजे और शाम 7 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है जहां प्रवर्तन निदेशालय ने बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी पर बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि जांच एजेंसी ने दिल्ली, लखनऊ, गाजीपुर और मऊ में मुख्तार अंसारी और उनके कार्यकर्मियों के कई ठिकानों पर छापेमारी की। इतना ही नहीं, मुख्तार के मोहम्मदबाद स्थित घर पर भी छापेमारी की गई है। ईडी ने दिल्ली और यूपी के लखनऊ, मऊ और गाजीपुर जिलों में कई ठिकानों पर छापेमारी की है। इसमें मोहम्मदबाद स्थित अंसारी का घर भी शामिल है। इसके अलावा ईडी ने विक्रम अग्रवाली और गणेश मिश्रा के ठिकानों पर भी छापेमार की है। इतना ही नई खान बस सर्विस के मालिक यहां भी ईडी के छापे पड़े हैं। बिजनौर के थाना नेटौर क्षेत्र के गांव मिर्जापुर और मुसेरपुर में शोक की लहर है। गांव के निवासी युवक फैजान आदिल और सऊद की हरियाणा के गुरुग्राम में सेल्फी लेते वक्त ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई थी, जिनके शवों का आज गंगामीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। जानकारी मिली है कि तीनों दोस्तों के साथ स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी होने पर घूमने के लिए निकले थे, जो गुरुग्राम में रेलवे ट्रैक पर एक ट्रेन की सेल्फी ले रहे थे। इसी दौरान ट्रैक पर अचानक ट्रेन आ गई और चपेट में आने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। अब खबर बांदा से है जहां तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार टायर फटने से यह हादसा हुआ था। वहीं सूचना पर 108 एम्बुलेंस ने सभी घायलों को ट्रोमा सेंटर में भर्ती करवाया, जहां एक युवक की हालत गंभीर होने पर उसके कानपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि सभी घायल पिपरही और अतरहट गांव के बताए जा रहे हैं। खबर यूपी के प्रयागराज से है जहां कर्नलगंज थाना इलाके के गुलाटी मार्ग पर 6 लाख की लूट की वारदात सामने आई है। दरअसल नकाबपोश बदमाशों ने 2 दुकानों में लूट की वारदात को अंजाम दिया है, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ पाया है। वीडियो में 3 बदमाश दुकान मालिक को तमंचा दिखाकर पैसे लूटते नजर आ रहे हैं, जिसकी सूचना के बाद SP सहित पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस और SOG की टीम बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। आपको बता दें कि लोहा व्यापारी RP गुप्ता और ललित मोहन की दुकान में घुसकर बदमाशों ने लूटपाट की थी।
विकासगंज में महिला सब इंस्पेक्टर को प्रताड़ित करने के मामले में पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति ने एक्शन लेते हुए सिपाही को निलंबित कर दिया है। दरअसल महिला सब इंस्पेक्टर ने आरोपी सिपाही तुषार चौधरी के खिलाफ तहरीर दी थी कि ऐसे में महिला एसआई की तहरीर के आरोपों की प्राथमिक जांच के बाद एसपी ने कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं एसपी के आदेश की अवहेलना, अनुशासनहीनता और आरोपी सिपाही की मदद करने वाले 3 हेड कांस्टेबल को भी निलंबित किया गया है। ये पूरा मामला गंज डुंडवारा कोतवाली का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि महिला पुलिसकर्मी ने सिपाही के खिलाफ अभद्रता, डराने और फर्जी चीजें दिखाकर डराने की शिकायत दी थी। दिनांक 15/8/2022 को खासगढ़ पुलिस के एक महिला सब इंस्पेक्टर हमारे यहाँ एक तहरीर लेके आई थी कि एक तुषार नामक कांस्टेबल उनको अलग अलग भय देकर प्रताड़ित करने का कोशिश कर रहे हैं। मामले को गंभीरता से समझते हुए हमने संबंधित सीओ से एक आख्या मांगी है। उसी आख्या के अनुरूप प्रथम दृष्टया वो कांस्टेबल दोषी पाए जाने पर उनको तत्काल निलंबित किया गया है और उसी समय पे जो मैंने आदेश दिए हैं उस आदेश को अनदेखा करते हुए 3 मुख्य आरक्षी अनुशासनहीनता दिखाया है। उनको हमने तत्काल इस कांस्टेबल को मिलाकर निलंबित किया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।